राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट का एनुअल प्रेस मीट आज यहाँ पे देवकी कन्वेंशन हॉल नागौल में हमने अरेंज किया था। राजकोंडा में इस साल ओवरऑल जो क्राइम है वो 12% अभी कम हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस खासकर बहुत सारा अभी कम रिपोर्ट हुआ है। इस साल जो 3 महीना था लॉकडाउन का, वो 3 महीने के पीरियड में की केसेस बहुत कम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हुए, क्योंकि उस समय पुलिस का काफ़ी अच्छा विजिलेंस था, इसलिए रोड एक्सीडेंट भी कम हुए उस पीरियड में, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी काफ़ी कम हुए। वही कारण होगा कि हमारा ओवरऑल जो क्राइम है वो टोटल कम हुआ है। इस साल जो एक अच्छी बात है कि कन्विक्शन जो है हमारा वो 51% बढ़ा है। पिछले साल जो 35% था उसके पिछले साल वो 32% था। इस साल हमने और एक बात जो देखी कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तकरीबन दुगना हो गया है। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें भी ये जो साइबर क्रिमिनल है वो एक्टिव थे और उन लोगों ने काफ़ी हरकतें करके लोगों को फंसाने की कोशिश की और लोगों ने भी ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया है। ये जो पूरा साल है हमारे लिए खासकर सर्विस का साल रहा। शुरू के लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद भी हमारे तकरीबन 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है। 60,000 माइग्रेंट वर्कर को हमने 2 महीना तक उनका खाने का इंतजाम किया था, बाद में उनको घर भेजने का भी हमने इंतजाम किया। उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था, पीने के पानी की सुविधा हमने दी थी तक। उसके साथ में जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए भी हमने न्यूट्रिशियस डाइट का इंतजाम किया था। और ये जो अच्छा काम है वो गवर्नमेंट के भी नोटिस में गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने जो मैनुअल बनाया कोविड के पुलिसिंग का, उसमें राजकोंडा पुलिस के 5 पेजेस वहाँ पे है। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ पुलिस कर्मी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम इंडिविजुअली भी किया है, खासकर जो हमारी उपल की डीवी शिवरानी कर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है कि उन्होंने कुछ परमिशन तो दी नहीं है, और कोविड का भी गाइडलाइन है कितना गैदरिंग कहाँ पर रखना, वो सब रिस्ट्रिक्शंस अभी है। उसके बारे में और एक बार हम तीनों कमिश्नर भी बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अगर कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ अगर ऑर्डर आएंगे तो हम डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल तो अभी हमने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है, ना किसी ने हमें अप्लाई किया है न्यू ईयर के लिए। सर, एटीएम थेफ्ट क्या से क्या हिकमत अमली कर रहे हैं? इपड़ू ए एटीएम थेफ्ट के बारे में जो हमारे राजकोंडा में अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है, जो गैंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा स्टेट का ये गैंग है, जिन्होंने 5 स्टेट में ये एटीएम के ऑफेंसेस किए। ये लोग जो है लॉरी से यहाँ पे आते हैं, जो आइसोलेटेड एटीएम है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे पुराना एटीएम है जिसको अलार्म से कनेक्ट नहीं किया, ऐसे एटीएम को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने वनस्थलीपुरम में एक केस किया था पिछले महीने, और एक केस अभी यहाँ पे अब्दुल्लापुर मेट में किया था। जो अब्दुल्लापुर मेट का केस है उसमें हमने 10 में से 6 लोगों को ऑलरेडी हमने हिरासत में लिया है, जिन्होंने 5 राज्यों में एटीएम के थेफ्ट किए। ये जो पुराने एटीएम है वो पुराने एटीएम के बारे में पूरे बैंक मैनेजर से हमारी गुजारिश है कि पुराने एटीएम आप नए एटीएम से रिप्लेस करो, जिसको अलार्म कनेक्शन हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो कम से कम एक वॉचमैन वहाँ पे रखो, कुछ कैमरा वहाँ पे लगाओ, और हफ्ते में एक ही दिन ज़्यादा पैसा डालने के बदले हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा एटीएम में डालते रहो। हमारे तरफ से भी हम लोग एटीएम जियो टैग करके हमारा पेट्रोलिंग और बढ़ा रहे हैं।